HNBGU 2022 ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इवन सेमेस्टर चाहे हो सेकंड सेमेस्टर हो फोर्थ सेमेस्टर हो सिक्स सेमेस्टर हो एट सेमेस्टर हो यूजी का कोर्सेज हो पीजी का कोर्सेज हो इन तमाम जो कोर्सेज के रिजल्ट के यहाँ पर वेट कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे उन्हें पता चले कि हमारे जो पर्टिकुलर कॉलेज का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है कि नहीं हो चुका है कौन से कोर्सेज का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है और कैसे हमें रिजल्ट देखना है ये सारे मैं आज की वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है जो उनका रिजल्ट है online.hnbgu.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट में देखते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, वेलकम टू CBSE एग्जामिनेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका बैच है, अगर आप सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो CBSE एग्जामिनेशन सिस्टम बैच 2019, एट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो CBSE एग्जामिनेशन सिस्टम बैच 2018, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट आपने पेपर दिया था और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे CBSE एग्जामिनेशन सिस्टम 2020 पे क्लिक करना है, और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को CBSE एग्जामिनेशन सिस्टम बैच 2021 की बात पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं एक डेमो आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सिक्स सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और यहाँ आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ये सेम सभी सेमेस्टर के लिए यहाँ पे सेम यही रोल होगा, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर वाले हो फोर्थ वाले हो एट सेमेस्टर वाले हो। जो उनके लास्ट में यहाँ पे मेंशन सेमेस्टर क्या होगा, जो भी आपका बैच कर रहा होगा आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है लिस्ट ऑफ कोर्स हुज सिक्स सेमेस्टर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर अंडर CBSE, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के स्क्रीन पे खुलेगा। जो भी आपका कोर्स कोड होगा, चाहे आप BSc की बात करें BA MA की बात करें, जो भी आपका कोर्सेस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस BSc की बात कर रहा हूँ, सिंपली आपने जो कोर्स कोड है यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपके जो कॉलेजेस के नेम यहाँ पे शो करेगा, जो भी आपका कॉलेजेस है यहाँ पे जिनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है उन कॉलेजेस का रिजल्ट यहाँ पे सिंपली शो करेगा। अगर आपके कॉलेजेस का रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों बाद ही आपके यहाँ पे कॉलेजेस का रिजल्ट शो करेगा। सेम हम पे बात करते हैं एक सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की, जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सिंपली उन्हें भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज हुज फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट अनाउंस्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट काफ़ी अनाउंस हो चुका है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc हो MSc हो जो भी कोर्सेज है आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप BSc जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है, मास्टर्स के कोर्सेज के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन BSc के रिजल्ट नहीं आए हैं। जैसे रिजल्ट पब्लिश होगा आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सेम यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का रिजल्ट भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज सेकंड सेमेस्टर जिनका भी रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो देख सकते हैं आप। मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज के रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं और BA BSc के रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस नहीं हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है कि आप कैसे डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि आपके कॉलेजेस का रिजल्ट आया है कि नहीं है और आपके पर्टिकुलर कोर्सेज का रिजल्ट आया कि नहीं आया। डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे आप रिजल्ट आपको सिंपली कैसे देखना है, जैसे कि इस पर क्लिक किया, इसको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया होगा अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम या जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं वही आपको डालना है। यहीं से आपको आपका रिजल्ट दिखेगा लेकिन रिजल्ट को देखने से पहले आपको डायरेक्टली यहाँ से चेक अपना रिजल्ट करना है। आई होप ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो HNBGU से अपना UG और PG का कोर्सेज कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता कि हमारे कॉलेज का रिजल्ट अलॉट आया कि नहीं आया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरा चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे ही आपको कुछ और रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट आता है मैं जल्द से जल्द अपनी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।